नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशीनाथ और आप सभी का हमारे YouTube चैनल साउंड सर्विस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपको CA12 का एम्पलीफायर दिखेगा जो साउंड स्टैंडर्ड का है। फ्रेंड्स, मेरे पास सर्विस के लिए आया हुआ है, फॉल्ट थोड़ा बहुत था फ्रेंड्स, इसका फ्यूज होल्डर प्रॉब्लम कर गया था पीछे में है फ्रेंड्स, तो उसको मैंने चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा रिव्यू कर देते हैं, फ्रंट और रेयर पैनल का, साथ में इसका आपका इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी रिव्यू कर देते हैं। फ्रंट पैनल देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है दो साइड में, तो साथ में इसमें बीच में इंडिकेटर देख सकते हैं, चार चार इंडिकेटर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में सबसे पहले एक क्लिप का इंडिकेटर है, उसके बाद सिग्नल प्रोटेक्ट और एक्टिव का, ये सब आप जानते हैं। नीचे देख सकते हैं क्लास एच प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, एच क्लास का पावर एम्पलीफायर है फ्रेंड्स। इधर इसका छोटा सा पावर स्विच दिया हुआ है देख सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, आपको रेयर पैनल का इसका जो बैक पैनल है उस पर रिव्यू कर देते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका रेयर पैनल आप देख लीजिए, इसमें कुछ देख सकते हैं आपका चैनल वन के लिए इनपुट एक्सलर दिया हुआ है, लिंक इसका दिया हुआ देख सकते हैं, ये चैनल टू के लिए है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं स्पीकर दिया हुआ है आउटपुट के लिए, स्पीकर आउटपुट के लिए, साथ ही इसमें आपका कनेक्टर भी लगा हुआ है फ्रेंड्स। इसमें फ्यूज लगा हुआ देख सकते हैं, मैंने रिप्लेस कर दिया, नॉर्मल जनरल वाला जो बाकी एम्पलीफायर में लगता है उसे मैंने सेट कर दिया, इसमें जल गया था फ्रेंड्स। इसका पावर कोड निकला हुआ है देख सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ स्विच दिया हुआ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए लिमिटर का है देख सकते हैं। उसके बाद ये हाई पास देख सकते हैं, हाई पास का है, फोन ऑफ ऑफ कर सकते हैं, यूजर्स के हिसाब से लो पास का स्विच है फ्रेंड्स। उसके बाद ऑपरेशन मोड का स्विच है, आप जौन सा मोड में देखिए, ब्रिज मोड में किया हुआ है, किस उस ब्रिज में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। सेंसिटिविटी देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है आपका 3 सेंसिटिविटी दिया हुआ है, आप जिस मोड में सेंसिटिविटी सेट करना चाहते हैं उसमें सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये ब्रिज का इंडिकेटर दिया हुआ देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, आपका इंटरनल का नज़ारा कुछ दिखा देते हैं फ्रेंड्स। इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका पावर ट्रांसफार्मर हो गया फ्रेंड्स, ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड हो गया फ्रेंड्स। देख सकते हैं इसमें 8 कैपेसिटर लगे हुए हैं, साथ में नीचे साइड में देख सकते हैं रेक्टिफायर लगा हुआ है फ्रेंड्स। ये इसका इनपुट पैनल देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें माइक्रो SMD IC लगे हुए हैं फ्रेंड्स, और साथ में देख सकते हैं दो साइड में दो पंखा लगा हुआ है। आउटपुट बोर्ड देख लीजिए चैनल 1 का फ्रेंड्स, ये चैनल 2 का फ्रेंड्स देख लीजिए आउटपुट बोर्ड, ये चैनल 2 का आउटपुट बोर्ड फ्रेंड्स देख सकते हैं। उसके बाद इसका देख सकते हैं फ्रंट में कुछ पैनल में, ये आपका देख सकते हैं फ्रेंड्स, NTC लगे हुए हैं, प्लस स्विचिंग रिले लगा हुआ है फ्रेंड्स।